मिलाओ पासवान। सभापति जी, मैं आपको और स्पीकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लिया है, और मैं सदन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि थोड़ा बहुत नोकझोंक के बावजूद भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम इस मुद्दे के ऊपर में विचार विमर्श कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं आज कोशिश करूंगा कि जो बहस का मुद्दा है वो बहस का मुद्दा थोड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल होकर के इस तरह का रहे कि जिसमें हम सब लोग उस पर गंभीरता से विचार कर सकें। सबसे पहली बात है कि यदि हम माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक शब्द है, उसकी हम व्याख्या करना सीख लें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नफरत का वातावरण है वो नफरत का वातावरण 90% दूर हो जाएगा। आज इस देश में कौन माइनॉरिटीज के लोग हैं? माइनॉरिटीज के लोग हैं मुसलमान, माइनॉरिटीज के लोग हैं क्रिश्चियन, माइनॉरिटी के लोग हैं सिख, माइनॉरिटीज के लोग हैं बुद्धिस्ट, माइनॉरिटीज के लोग हैं पारसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं जैन। हालांकि बहुत लोगों ने कहा, उन्होंने कि मैं नहीं मानता हूं, लेकिन यदि इन 6 माइनॉरिटीज को देखेंगे तो और इनके इतिहास में जाएंगे तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी माइनॉरिटीज के लोग कोई विदेशी हैं। झगड़ा तब होता है कि जब देसी और विदेशी का मामला उत्पन्न हो। हम इस झगड़ा को समझ सकते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में झगड़ा हुआ था, और उस समय में इब्राहिम लोदी देश की गद्दी पर था और बाबर ने चढ़ाई किया था 1526 में। एक देसी था, एक विदेशी था, इस झगड़ा को तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज जब हम हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा की बात करते हैं, इसमें कौन देसी है कौन विदेशी है, उस समय में रहा होगा, लेकिन जब आ गया देश में। और विदेशी कौन होता है? विदेशी वो होता है कि जो अपने देश को चला जाता है, जो जिस मिट्टी में मिल जाता है वो विदेशी नहीं रहता है। अंग्रेज को हम विदेशी कह सकते हैं, इसलिए कि अंग्रेज आज एक भी गोरा आदमी देश में नहीं है, क्योंकि सब अंग्रेज चला गया अपने अपने देश में, स्वर्ग भूमि में कोई नहीं रहना पसंद किया, तो उसको तो हम विदेशी कह सकते हैं। लेकिन जो लोग देश में आकर के इसी देश को संवारने में, बनाने में लग गए, अब उसको हम उस इतिहास में जाएंगे 500 साल के इतिहास में, तो फिर आपको 5000 साल पुराना इतिहास में जाना पड़ेगा, जो बहुत दुखदायी इतिहास होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी, आज भले कोई हम गाली दें, लेकिन 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी चले जाइए, एक भाई हिंदू मिलेगा, एक भाई मुसलमान मिलेगा। गुजर के बस्ती में एक भाई हिंदू है, दूसरा भाई मुसलमान है। चले जाइए जहां हम कहते हैं कि 80% 90% मुस्लिम है, कश्मीर में, उस कश्मीर में आज भी पंडित मौलाना का टाइटल एक ही साथ चलता है, पंडित पन्ना मौलाना। कहीं जाट है तो जाट के यहाँ मुसलमान बना है, कहीं बुनकर है तो बुनकर के यहाँ मुसलमान बना है, कहीं दलित है तो दलित के यहाँ मुसलमान बना है। इसलिए ये कहना कि मुसलमान कोई बाबर के औलाद हैं या इस तरह का भाषा का कोई, यदि प्रयोग होता है तो आवेश में होता भी है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। और यदि हम ठंडे दिमाग से चलेंगे तो हम देखेंगे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी 10 पीढ़ी चले जाइए, एक भाई एक ही परिवार का हिंदू है, दूसरे परिवार का मुसलमान है। फिर ये कहना कि बाबर से ही शुरू हुआ है, बाबर जब देश की गद्दी पर आया था तो देश की गद्दी पर कौन राज कर रहा था? इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। इब्राहिम लोदी कोई हिंदू नहीं था। इब्राहिम लोदी के पहले खिलजी वंश था, खिलजी वंश के पहले तुगलक वंश था, तुगलक वंश के पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के पहले मोहम्मद गोरी था। 1100 ईस्वी से चला और आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसलिए अब क्रिश्चियन है, अब क्रिश्चियन जो है, अब संगमा साहेब हैं, तो संगमा साहेब, संगमा कोई क्रिश्चियन को कह दे कि अंग्रेज के औलाद हैं तो कौन बर्दाश्त करेगा? कित कौन है क्रिश्चियन? आदिवासी हैं। कौन है क्रिश्चियन? 60% क्रिश्चियन में दलित क्रिश्चियन है। चुंडूर की घटना घटी थी, कोई आदमी नहीं जान पाया कि चुंडूर की घटना, जब हम लोग वहां से न्याय ज्योति लेकर के चले थे, तो चुंडूर का दलित दलित है कि दलित क्रिश्चियन है, वो क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन है। तो ये साथ जो क्रिश्चियंस हैं, एक भी कोई गोरा आदमी क्रिश्चियन नहीं है, सारे के सारे क्रिश्चियन जो है कन्वर्टेड हैं, या तो आदिवासी से कन्वर्टेड हैं, या तो बैकवर्ड क्लासेस से कन्वर्टेड हैं, अपर कास्ट से भी हो सकते हैं, कन्वर्टेड हैं। तो आज हम जिस उद्देश्य को लेकर के हम ऐसे झगड़ा कर रहे हैं कि जैसे कोई क्रिश्चियन जो है विदेशी हो गया हो। सिख है, सिख धर्म की स्थापना हुई थी, केस कंघी कारा कृपान कच्छ, 5 कौसे लेस करके सिख धर्म की स्थापना हुई थी। और उस सिख धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा भाई सिख होता था और छोटा भाई हिंदू होता था। एक ही परिवार का ये बड़ा भाई सिख
छोटा भाई कहते हैं कि हिंदू और सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना की गई। हाँ, कौन है? तोहरादी हैं, बादल हैं, बरनाला हैं, सब एक ही कम्युनिटी के हैं। जाट हैं, कोई मजहबी सिख है, बूटा सिंह जी हैं, कोई इसमें कौन विदेशी है? हिंदू सिख का दंगा हो रहा था, हम उसके सफरर हैं, हम देखे थे, हमारा घर था 12 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड में, हम थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, हम लोग बचा नहीं पाए, किसी तरीके से हम लोग बच गए। 1 साल का हमारा उस समय में 1.5 साल का बेटा था, आज भी उसको याद है, उसको हम लोगों ने दुमहला पर से नीचे फेंक दिया था, इस तरह का घर जलाया गया था। जब जी बाबरी मस्जिद का मामला आया था, तिलक नगर थाना में हम लोग 10,000 जगत ने दलित सेना के लोग के साथ में हम लोग जगत के बंद थे। 12 नंबर हमारा राजेंद्र प्रसाद रोड है, इस 12 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड को जलाने का काम किया गया। हम लोग उस परिवार में पैदा लिए, हम दलित वर्ग से आए थे, मंडल कमिश्नर के कारण हमने बहुत गाली सही, लेकिन मंडल से रामविलास पासवान को कोई फायदा होने वाला नहीं है, अन्यथा चूंकि पिछड़ी जाति के लिए था, लेकिन एक कमिटमेंट था पिछड़ी जाति के लिए। यहाँ बैठे हुए हैं सारे साथी, बैठे हुए हम लोग जिस क्लास से निकले थे, एजुकेशन निकले थे, हम लोग नारा लगाते थे, पिछड़ा पावे सौ में साठ, राजपाट है किसके हाथ अंग्रेजी, और ऊंची जात का क्या पहचान, गिट बिट बोले करे नकाम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, ये सारा नारा लगाने का हम लोग काम करते थे। तो एक कमिटमेंट है मुसलमान के लिए, कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। और याद रखिए, इस देश में जब तक कमिटमेंट नहीं होगा, हमेशा सोचना चाहिए कि यदि औरत और मर्द में झगड़ा हो तो औरत की लात गलती हो, औरत का साथ देना चाहिए। यदि हथियार वाले में बिना हथियार वाले में झगड़ा हो तो बिना हथियार वाले की लात गलती हो, हथियार बिना हथियार वाले को साथ देना चाहिए। जनता और सरकार के बीच में झगड़ा हो तो जनता की लात गलती हो, जनता का साथ देना चाहिए। क्योंकि जिसके पास में पावर होता है वो ज्यादा क्या कहते हैं, वो ज्यादा एट्रोसिटीज करता है, जिसके पास में पावर नहीं होता है वो कम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में कहा कि यदि हम इस शब्द का व्याख्या करना सीख जाएं कि माइनॉरिटीज कौन है और उसके आधार पर हम चलने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि हमको स्वयं एक भावना पैदा होगी कि हम जिसके खिलाफ में लड़ रहे हैं, ये हम और दो एक ही खून है, ये नकवी और रामविलास पासवान में कोई क्या कहते हैं कि डिफरेंसेस नहीं है, 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी ऊपर में एक भाई क्या कहते हैं कि एक ही बाप माँ के हम 2 संतान होंगे। और उसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी मामला है, हिंदुस्तान जब भी मुसलमान का मामला आता है तो पाकिस्तान के साथ में जोड़ दिया जाता है। याद रखना कि हम नहीं है डिफेंस मिनिस्टर, उनको बतलावेंगे, प्रत्येक साल 25,000-30,000 करोड़ रुपया हम हथियार के ऊपर में खर्चा करते हैं, और इतना ही पैसा हथियार के ऊपर में खर्चा करता है पाकिस्तान। दोनों देश का 40,000-50,000 करोड़ रुपया चला जा रहा है किसके यहाँ? अमेरिका के यहाँ। आज कोई रूस भी नहीं है, एक देश है अमेरिका, उसको देता है F-16 तो हमको कहता है कि ले लो तुम F-17। हिम्मत है? आपने एटम बम बनाया है, एक बार पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, ये नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को नहीं उड़ाएगा। और याद रखिए, एटम बम कभी सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बनता है। एटम बम पर जितना भी हम गर्व करें, एटम बम चाहे गिरे इस्लामाबाद में तो भी दिल्ली साफ हो जाएगा, और दिल्ली में और वो गिराएगा दिल्ली में तो उनका इस्लामाबाद ही साफ होने वाला है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि ना तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान को खत्म कर सकता है। तो जिस देश में 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव में 2 लाख गांव में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जहां जहां सबसे ज्यादा अंधा लंगड़ा लूला, सबसे ज्यादा गरीबी जिस देश में है, बेरोजगारी की समस्या भयावह है, हम उस देश में हम सिर्फ युद्ध का वातावरण क्रिएट करते रहेंगे दोनों तरफ से। और मैं ये भी जानता हूं कि ना हिंदुस्तान का नागरिक युद्ध चाहता है, ना पाकिस्तान का नागरिक युद्ध चाहता है। हमारे पेट में दर्द होता है तो हम 10 गो गाली पाकिस्तान को दे देंगे, और पाकिस्तान को भी कुछ होता है तो 10 गो गाली वो हिंदुस्तान को दे देगा। हम दोनों देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं कोई पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए हमको कैसे देश का, और बहुत सारे देश हैं, आज जर्मनी है, जर्मनी के पास में एटम बम नहीं है, जापान के पास में एटम बम नहीं है, तो क्या उसका भिट्टो किसी देश से कम चलता है? याद रखिए, जो देश खुशहाल होता है उसी का भिट्टो चलता है। चाहे हम 1,00,000 एटम बम बना लें, लेकिन हमारे देश में हमारा देश कमजोर रहेगा तो उस एटम बम का कोई कीमत रहने वाला नहीं है। इसलिए सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, पहली बात को माइनॉरिटी का ये मुद्दा, दूसरा बात, हम कभी सोचे हैं कि हमारा चारों सीमा माइनॉरिटी से घिरा हुआ है? आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, वहां मुस्लिम सिख हैं, चले जाइए पंजाब, वहां मुस्लिम है, पंजाब में चले जाइए सिख हैं, चले जाइए लेह लद्दाख, वहां बुद्धिस्ट हैं, चले जाइए नॉर्थ, सर अभी तो अब कहिए तुम बैठते हैं, हमें तो मैं तो पढ़े, हाँ
तो चले जाइए क्या कहते हैं, चले जाइए नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, सारा का सारा जो ये हमारे जगह कहते हैं कि पूर्वांचल, ये नॉर्थ ईस्ट है, वहां कहते हैं क्रिश्चियन, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। तो हम जिस समय में, हमारा बाउंड्री तो वही है, घर को चाहे आप जितना मजबूत कर लीजिए, लेकिन यदि बाउंड्री मजबूत नहीं होता है तो उस घर में हमेशा चोर को घुसने का भय रहता है। इसलिए जब तक माइनॉरिटीज के मन में, जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटीज, उसके मन में फेथ नहीं होगा, जब तक उसके मन में विश्वास का वातावरण नहीं होगा, जब तक वो अपने को देश का एक नंबर का नागरिक नहीं समझेगा, तब तक देश वो मजबूत नहीं हो सकता है। हम लोग भी जाकर के देते हैं अमेरिका में, अडवाणी साहब तो बराबर अमेरिका जाते हैं, वहां जाकर के भाषण भी देते हैं, लेकिन कोई अमेरिका में इंडियन जो है एवरी बड़ी, चाहे वो हिंदुस्तानी मूल का हो, कोई भी वो भाषण देगा कहेगा हम अमेरिकन होने के नाते गर्व करते हैं। क्यों गर्व करते हैं? चूंकि उसके मन में कभी ये वातावरण पैदा होने के लिए वहां की सरकार नहीं देती है कि तुम क्या कहते हैं कि तुम हिंदू हो या तुम हिंदुस्तानी हो या तुम मुसलमान हो, उसको लगता है कि हम क्या कहते हैं कि यहां हैं और हमारे चीज सब चीज में हमारा बराबर का हकदार है। और इसलिए यदि माइनॉरिटी के मन में और ये विश्वास पैदा करना, कल हमारे साथी जैन साहब कह रहे थे, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन ये हमेशा माइनॉरिटी का साइकोलॉजी रहता है। हम जब दलित वर्ग में पैदा लिए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जब बहुत गाली देते थे, बहुत क्रिटिसाइज करते थे, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि देखो अम्बेडकर जो कहता है उस बात को इस दृष्टिकोण से सोचो कि तुम अम्बेडकर की जगह पर पैदा लिए रहते तो तुम्हारे मन में क्या गुजरता। इसलिए जब माइनॉरिटी कोई कहता है तो माइनॉरिटी की एक साइकोलॉजी होती है, वो अपने अधिकार को मानने की कोशिश करेगा, लेकिन उस अधिकार को आप मेजोरिटी के बल पर तोलना शुरू कर देंगे कि हम तो 85% हैं, हम तो आपको रहम देने का काम करते हैं। कि याद रखिए, परिवार में भी बड़ा भाई छोटा भाई के ऊपर में यदि बहुत ज्यादा एहसान जताने की कोशिश करता है तो छोटा भाई भी कभी कभी जब वो अपना लाइन लेता है तो उसका गलत परिणाम उतरता है। इसलिए कभी इस बात को हमारे मन से नहीं निकलना चाहिए कि हम मेजोरिटी में हैं इसलिए कोई माइनॉरिटी के ऊपर में एहसान करते हैं। और हमको खुशी है इस बात का कि कल होम मिनिस्टर ने इस बात को क्लेरिफाई किया, उन्होंने कहा कि ये कोई मेजोरिटी और माइनॉरिटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत के संविधान का, और जो भारत के संविधान में जो हक दिया गया है उसके लिए उसका ये है। और सभापति जी, देश की आजादी का सवाल है। आज जिस अनुबंध के ऊपर में हम बहुत गर्व कर रहे हैं, किसने अनुबंध को बनाया है? उसमें कलाम का, डॉक्टर कलाम का कोई कम हाथ है क्या? देश की आजादी मिली, फांसी के फंदे पर चुम लिया, फांसी के फंदे को चुम लिया खुदीराम बोस हिंदू थे, फांसी के फंदे को चुम लिया सरदार भगत सिंह सिख थे, फांसी के फंदे को चुम लिया इशफाक उल्ला खान मुसलमान थे। इशफाक उल्ला खान ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कह करके फांसी के फंदे को चुम लिया। हम कहना नहीं चाहते हैं, हम रेल मंत्री थे, गृह मंत्री जी, हम गए एक जगह पर, कैफी आजमी साहब भी थे, एक जगह उद्घाटन कर रहे थे, जिस अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम ये नहीं, ये अपने शहीद जो शहीद हुए थे उन्हें सब अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद, उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी ने कहा कि पासवान जी आप हम पर एक मेहरबानी कीजिए। हमने कहा क्या? कहा हमको सेकंड क्लास का पास दे दीजिए। हमने कहा कहाँ के लिए? कहा हमको एक स्टेशन जाना पड़ता है और हमारे पास में पैसा नहीं है कि हम जाकर के टिकट करा सकें। हमने कहा कि माता जी मालूम हुआ, हमने कहा माता जी आपके बलबूते पर हम लोग राज कर रहे हैं और आपको एक सेकंड क्लास का पास करते हैं, और हमने कहा कि क्या करता है आपके बच्चे क्या करते हैं? कहा हमारा दो बेटा है, कहा एक मैट्रिक पास करके बैठा हुआ है और एक जो है प्यून का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है, महीना में क्या करते हैं 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन बैठा रहता है। हमने उसी समय घोषणा किया, हमने कहा कि हम चाहे हमारे ऊपर में जो भी केस चले या जो भी हो, हम जिंदगी भर के लिए आपको एसी फर्स्ट क्लास का पास देंगे और उसके बाद हम आपके दोनों लड़के को रेलवे में नौकरी दिलवाएंगे चाहे जो होना पड़े। इसलिए मैं सब साथियों से भी कहना चाहता हूं कि कोई हिंदू मुसलमान को लड़ा करके या कोई हिंदू मुसलमान के कंधे पर चढ़ करके भी राजनीति के लिए है। राजनीति देश के क्या कहते हैं मजबूत करने के लिए राजनीति होती है, देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति करने के बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे और भी क्या कहते हैं कि रास्ते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान के नाम पर या जाति धर्म के नाम पर ही राजनीति नहीं चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम ईमानदारी से और क्या कहते हैं गंभीरतापूर्वक विचार करना शुरू करें तो मैं किस क्षेत्र में हम जहां जहां देखते हैं, ये आपका कला का क्षेत्र है, मोहम्मद रफी, मुकेश, आज दोनों में किसी को कोई तुलना कर सकता है कौन क्या कहते हैं कि अच्छा है कौन बुरा है? नूर जहां और क्या कहते हैं कि ये लता मंगेशकर जी में, सुरैया और क्या कहते हैं कि ये आशा भोसले में,
कोई किसी में कम है? अजरुद्दीन और क्या कहते हैं गावस्कर में, या अभी जो क्या कहते हैं कि हमारा नया लड़का सचिन तेंदुलकर निकला है। हर क्षेत्र में गांधी जी के साथ में जवाहरलाल नेहरू काम करते थे तो मौलाना आजाद उसी तरीके से राष्ट्रभक्त के रूप में काम करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को सब चीज में धर्म को घसीटना नहीं चाहिए। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्पत हमसे, लेकिन हमने तो कहीं एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने दो रामायण लिखे गए, एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूँ, जो भी दंड कहे हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें, सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व हिंदू हिंदुत्व, जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहाँ है? ये सबको मालूम है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे नमा क्लास में कि भाई वहां से विदेशी लोग आए थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, वहां से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। अब वहां से अगर चला फिर कौन किसके लिए हम झगड़ा कर रहे हैं? अच्छा मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि हम मान लें कि आज क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो भी जाए, कौन पद है भारत का? हमारे प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जितने बने हैं हिंदू नहीं है क्या? भारत के राष्ट्रपति हैं केआर नारायण, हिंदू नहीं है क्या? उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी हैं, हिंदू नहीं है क्या? स्पीकर क्या कहते हैं बाल जोगी जी हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? लीडर ऑफ दी अपोजिशन शरद पवार जी हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? एक तरफ से आप क्या कहते हैं मुख्यमंत्री ले लीजिए, मुख्यमंत्री आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जेबी पटनायक, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ज्योति बसु, या बिहार के मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, या उत्तर प्रदेश के सारे के सारे तो जितने भी सिर्फ हाँ एक प्रदेश है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है, और एक है पंजाब का मुख्यमंत्री, वो क्या कहते हैं कि प्रकाश सिंह बादल है। बाकी तो सारे के स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट है छोटा मोटा को छोड़ दीजिए, सारे के सारे हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा है? और याद रखिए पानी का कोई धर्म नहीं होता है, पानी ठंडा है तो हिंदू के लिए भी ठंडा है और मुसलमान के लिए भी ठंडा है, आग में हिंदू भी जलता है और मुसलमान भी जल जाता है। तो जैसे पानी का कोई धर्म नहीं है, जैसे आग का कोई धर्म नहीं है, उसी तरीके से राष्ट्र का भी कोई धर्म नहीं होता है। राष्ट्र ना हिंदू होता है ना राष्ट्र मुसलमान होता है। राष्ट्र का काम होता है लोगों को रोजी रोटी की व्यवस्था करना, राष्ट्र का काम होता है लोगों का कल्याण का काम करना, और धर्म 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 और जात का वही लोग नारा लगाने का काम करते हैं जिनके पास में कोई आर्थिक मुद्दा नहीं रहता है। और इस देश में याद रखिए धर्म का मुद्दा एक बार चल सकता है, जात का मुद्दा एक बार चल सकता है, लेकिन जो परमानेंट मुद्दा है वो है गरीबी का, परमानेंट मुद्दा है बेरोजगारी का, परमानेंट मुद्दा जो है वो है लोगों का आर्थिक मुद्दा है। और जब तक इस आर्थिक मुद्दा पर आप ध्यान नहीं देंगे तो भले आप लाख कोशिश करते रहें, हम भी लाख कोशिश करते रहें, हम लोगों ने भी मंडल कमीशन लागू किया था, हम लोग भी चाहते थे कि मंडल कमीशन लागू करेंगे, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनोरिटीज 85% एक साथ हो जाएगा और राजपाट हमारे हाथ में चला आएगा। अब 85% से होते होते 6 पर चले आए। यदि वही 6 पर आपको जाना है धर्म का नारा लगाते हुए तो चलते चलिए, हिंदू मुसलमान करते चलिए, फिर पहुंच जाइएगा 186 से लेकर के 106 पर। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आप क्यों अच्छी कर रहे हैं? तो इसलिए अध्यक्ष जी, तो और मैं इस बात से मैं सहमत हूं। आज दिग्विजय सिंह जी नहीं है, आज दिग्विजय जी का बयान आया है। दिग्विजय जी ने समता पार्टी के हैं, दिग्विजय जी ने कहा ये इंडियन ये एशियन एज में उन्होंने कहा कि साहब ये सरकार जो है अंडर प्रेशर काम करती है। उन्होंने शिवसेना का नाम लिया। मैं नहीं कहता हूं कि शिवसेना हर चीज गलती कहती है या हर चीज सही करती है, लेकिन सरकार सरकार है। जब सरकार लिखा जाता है तो वो सरकार भारत सरकार लिखा जाता है। वो सरकार ना बीजेपी की सरकार होती है ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार होती है, भारत सरकार होती है। और आपको भारत सरकार की हैसियत से फैसला लेना चाहिए, ये नहीं फैसला लेना। हम जानते हैं कि आपके चार विंग हैं, हम जानते हैं बजरंग दल अलग है। आप लाख कहिएगा बजरंग दल को, वो आपकी बात में रहने वाला नहीं है। आप लाख कहिएगा विश्व हिंदू परिषद को, वो आपकी बात में रहने वाला नहीं है। आप लाख कहिएगा आरएसएस को, आरएसएस आप पर कंट्रोल कर सकता है, आप आरएसएस के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं। लेकिन इन सारी शिवसेना अलग है, लेकिन इन सारी चीजों के बाद मैं आपकी काबिलियत को भी जानता हूं।
कि आपके पास में इतनी कैपेसिटी है कि आप पांच बजे सवेरे में यदि दिल्ली में दूध पिला सकते हैं गणेश जी को, तो आप जो है सकते हैं कि इंग्लैंड में भी पिला सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी है। और याद रखिएगा, हमारे पिताजी भी संत थे, गणेश जी कभी दूध नहीं पीते थे, गणेश जी खाते थे लड्डू। हम लोग बचपन में पढ़ते थे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता याति पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा, खिलाते थे लड्डू। तो गणेश जी खाते थे लड्डू और आप लोगों ने गणेश जी को पिला दिया दूध, तो ये तो आपकी कैपेबिलिटी है। तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाषा का सवाल है। अब हम लोग आजादी के 50 साल के बाद अंग्रेजी भाषा को ढोते जा रहे हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। अंग्रेजी नंबर वन की भाषा है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां आएगा उर्दू को बनाओ हंगामा होने लगता है। मैं आपसे आडवाणी साहब मैं पूछना चाहता हूं कि रोज हम यहाँ क्या कहते हैं कि वंदे मातरम और रोज सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना हम लोग भी गाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक प्रकृति का नियम होता है। आदमी मुट्ठी को बांधे रहता है, लेकिन आप कहो कि मुट्ठी को बांधो एक घंटा तक, तो मुट्ठी खुलने का भी काम होता है। क्यों कहते हो बार बार कंपल्सरी कर रहे हैं? क्या आप कहते हैं कि, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है इसके ऊपर में लोगों को डाउट होने लगता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे सरस्वती वंदना का सवाल हो, संस्कृत हिंदी में तो कंप्यूटर निकला नहीं है, और संस्कृत में पढ़ करके कौन नौकरी पाएगा? बड़ा भारी हल्ला कर रहे हैं। अंग्रेजी का कंप्यूटर निकला हुआ है, हिंदी पढ़ने वाला क्लास 4 का एम्प्लॉइज होता है, क्लास 3 का जितना है क्लास 4 का एम्प्लॉइज हिंदी जानने वाला, और क्लास 1 का क्लास 2 का एम्प्लॉइज कलेक्टर और एसपी अंग्रेजी जानने वाला। तो अभी तक जो है आप तो हिंदी को तो आपने रास्ते पर लाया नहीं है, और एक नया संस्कृत पर हो। हम जानते हैं ना आपका बेटा संस्कृत में स्कूल में जा रहा है, ना आपका बेटा जा रहा है, ना मेरा बेटा जा रहा है, सब अंग्रेजी रास्ता पकड़ लिया। हम लोग पहले हिंदी पढ़ते थे, लेकिन जब देख लिया कि हिंदी में नौकरी नहीं मिल रही है, तो सब अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। इसलिए जो बिना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे राष्ट्र को कोई फायदा नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई संबंध आर्थिक मुद्दा से नहीं है, उसको बिना मतलब विवाद में खींचना नहीं चाहिए, और उसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनाना चाहिए। हम रेलवे मंत्री थे, उमा भारती जी ने यहाँ उठाया था, हमने चुपचाप जो सवेरे में गाना उना चलते रहता था, सवेरे में हर भजन वगैरह चलते रहता था रेलवे में, हमने चुपचाप बिना किसी से कहे हुए हमने प्रचार भी नहीं किया। हमने कहा नेशनल सॉन्ग बनाओ, राष्ट्रीय गान बनाओ। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मंगवाया और कहा कि बढ़िया जो गाना है राष्ट्रभक्ति का वो लगाओ, और जाकर के चाहे राजधानी हो या आपका शताब्दी हो, हमने लगाने काम किया। जो काम करना है आप काम कीजिए प्रैक्टिकल। एक होता है एक्ट, एक होता है फैक्ट, एक होता है टैक्ट। ना आपके आपके पास में एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है, और टैक्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। प्लीज कोई चीज नहीं है। इसलिए सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में, अब ये संवैधानिक प्रावधान है। एक्चुअली टाइम अलॉटेड फॉर जनता दल ओनली 1 मिनट, बट यू हैव टेकन 25 मिनट। सर मैं एक मुद्दा करके अब 370 का मामला है। मैं संविधान को देख रहा था, अब ये 370 है, विशेष प्रावधान सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। 378 में जो विशेष प्रावधान है वो महाराष्ट्र गुजरात के लिए भी है। 371 में नागालैंड के लिए भी विशेष प्रावधान है। 371B में आसाम राज के लिए है। 371C में मणिपुर राज के लिए है। 371D में आंध्र प्रदेश के लिए है। 371F में सिक्किम के लिए है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर स्टेट के लिए अलग अलग प्रावधान हैं, लेकिन जब मामला आएगा कश्मीर। और सभापति जी मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं होम मिनिस्टर से, हम अपने मिनिस्ट्री में थे तो हमने इनसे भी उठाया था उस मामला को। हमको नहीं मालूम है कि SPG में और NSG में मुसलमान और सिख हैं कि नहीं, आप पता लगाइए, और यदि नहीं है तो मैं समझता हूं कि बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए ठीक है कभी कभी कोई घटना घट जाती है इस देश में, लेकिन उसके कारण से किसी समुदाय विशेष को डिबार्ड नहीं किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस बात को पता लगावें कि जो SPG है, जो NSG है, उसमें क्या कहते हैं कि प्रतिनिधित्व इन माइनोरिटीज के क्लास का है कि नहीं। और भी जो हमारे पास में, मेरे पास में समय नहीं है, ये श्री कृष्ण आयोग वगैरह का रिपोर्ट है, जो PSC का रोल है, जो श्री कृष्ण आयोग में जो कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है, जो पार्टी का रोल होता है, वो तो समझ में एक बात आती है,
लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनलाइज हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। और एक मैं कहना चाहता हूं, सर मैं खत्म कर रहा हूं, खत्म, लास्ट प्लीज, आई हैव गिवन सो मेनी चांसेस, यू आर अ सीनियर मेंबर, यू मस्ट, आई एम 50 मोर मेंबर्स, आई हैव नॉट स्पोकन एनीथिंग व्हिच इज हाफ मिनट। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रघुवंश बाबू से कहना चाहता हूं, हर एक रिलीजन का सर, हर एक रिलीजन का अपना हर एक रिलीजन में, जो हिंदू रिलीजन है वो हिंदू के मुताबिक गाइड होता है, उसका मंदिर, जो सिख है वो गुरुद्वारा उसके मुताबिक गाइड होता है। लेकिन एक चीज है बिहार में, बौद्ध बिहार, जो बौद्ध बिहार जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा प्राप्त किया था, लेकिन आज भी वो बुद्ध बिहार जो है वो गिरवी रखा हुआ है और वो बुद्धिस्टों के हाथ में नहीं है। वहां मेजोरिटी जो है हिंदू है, यहां तक कि जो चेयरमैन है बौद्ध बिहार का, जो चेयरमैन है वो कलेक्टर होता है, लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि कलेक्टर गैर हिंदू होगा तो वो कलेक्टर चेयरमैन नहीं रहेगा। इसलिए और हमने आज से नहीं, 5 साल पहले से मुख्यमंत्री से वहां लिख रहे हैं, बीपी सिंह जी ने अपने समय में लिखा, उस देवे गौरा जी के समय में लिखा गया। मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां आंदोलन चल रहा है, इसलिए यदि हम आज रिलीजन के ऊपर में डिस्कशन करते हैं, माइनोरिटीज के ऊपर में, तो जो बौद्ध गया का, जो मंदिर का मामला है, बौद्ध बिहार का मामला है, उसको बुद्धिस्टों के हाथ में सौंपना चाहिए, उससे देश को भी फायदा होगा, जो बुद्धिस्ट कंट्री है उससे भी विकास के लिए सारा का सारा चीज आएगा। इसलिए सभापति जी, मैं ज्यादा बोलना चाहता था लेकिन आपने जो है जो लगा दिया है, इसके आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं दोनों पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपने माइनोरिटी का डिफिनेशन सिख से समझने का काम किया और उसके आधार पर आर्थिक मुद्दे को लेकर के आपने टॉप प्रायोरिटी में रखा, तो ना तो आपकी दुर्गति होगी ना देश का कोई दुर्गति होगा। इसलिए उस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक हमको विचार करना चाहिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कम समय था मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ज्यादा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।